हेलो एवरीवन वेलकम टू अराइजर टैलेंट माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ क्लास टेंथ सो अभी तक हमने चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट पढ़ा था जो कि था रिफ्लेक्शन ठीक है ना लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे थे आज का जो वीडियो है हम उसमें सेकेंड पार्ट में जाने वाले हैं जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है ना लाइट का एक दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट की रिफ्रैक्शन उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ओके okay? सो so, आज की जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो होंगे रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ठीक है किस तरीके से होता है क्या उसके केसेस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर जो ग्लास लैब होती है उसमें किस तरीके का रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है ओके okay? सो so ये दो जो हमारे कॉन्सेप्ट है इन्हें हम आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में ओके okay? चलिए तो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता होती क्या है ठीक है ना होता क्या है ये रिफ्रैक्शन इज द फेनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम ध्यान देना यहाँ पर ये क्या है बेंडिंग ऑफ लाइट है कुछ वर्ड्स को आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन क्या है बेंडिंग ऑफ लाइट लाइट क्या हो जाती है बैंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है जब हमने रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पर मीडियम क्या रहता है सेम रहता है यही पढ़ा था कि कोई भी मेरे पास यहां पर मिरर है ठीक है प्लेन सरफेस है यहाँ पे इंसिडेंट हो, light, हो रही है लाइट और वापस रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में क्या आ रही है वापस आ जा रही है यही था लेकिन अब जब बात की जा रही है रिफ्रैक्शन की तो रिफ्रैक्शन में आप क्या होता है कि एक कोई मीडियम दूसरा होता है मीडियम वन और एक होता है मीडियम टू ठीक है ना यहां पर हम बात करने वाले हैं दो मीडियम में तो जब भी कोई भी लाइट रे ठीक है ना यहां पर ये लाइट यहां से आ रही है ये मीडियम वन में है अभी ठीक है ना लेकिन अब गुजरनी तो उसको कैसे चाहिए थी सीधी लेकिन हम तो यही एज्यूम करेंगे कि लाइट रे आ रही है वो मीडियम वन में हो या मीडियम टू में हो वो तो सीधी जाएगी वो अपना पाथ क्यों चेंज करे लेकिन यहाँ पर लाइट की प्रॉपर्टी काम करती है कि जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपनी जो डायरेक्शन है वो क्या कर लेती है चेंज कर लेती है मतलब वो इस तरीके से दूसरे मीडियम में अलग तरीके से मूव करती है मतलब अपनी जो पाथ है उससे भटक जाती है अब ऐसा क्यों होता है क्यों होता है यहां पर वो भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइट में वो भी हम यहां पर देखेंगे ओके सो so यहां पर होता क्या है इट इज कॉज बाय द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर अब देखो इसको समझो वैक्यूम है आ, वैक्यूम भी छोड़ो आप एयर की बात करते हैं हम अभी एयर में हमारे आसपास अब एयर है आप अपने आराम से हाथ मूव कर सकते हो ठीक है ना कर सकते हैं लेकिन अगर अब पानी के अंदर आप चले जाओ ठीक है ना पूल में चले जाओ क्या आप वहां पर उतनी ही ताकत से सेम ताकत से क्या सेम स्पीड में अपना हाथ मूव कर पाओगे नहीं आपको वहां पे क्या फील होगा फोर्स फील होगा तो यही होता है मीडियम का चेंज इसमें क्या फर्क करता है कि डेंसिटी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या होती है किसी मीडियम की ज्यादा होती है और किसी मीडियम की कम होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉल हवा में उछालती हूँ ठीक है तो वो आराम से जाएगा ठीक है लेकिन वही बॉल में अगर पानी के अंदर फेंकूँ या कोई दूसरा मीडियम आप ले लो कि डायमंड ले लो या आप कैरोसिन ले लो अलग कोई साइड मीडियम ले लो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है मतलब गाढ़ा है ना बोलते हैं ना गाढ़ा जो होता है जैसे हनी होता है अगर उसमें मैं फेंकूं तो क्या वो उसी स्पीड से मूव करेगी नहीं करेगा तो वो बॉल हवा में अलग तरीके से मूव करेगा अलग स्पीड से मूव करेगा और अंदर किसी दूसरे मीडियम में जैसे कि पानी उसमें अलग तरीके से मूव करेगा सेम यही चीज क्या होती है लाइट के साथ होती है लाइट भी क्या होता है उसकी स्पीड में क्या आ जाता है चेंज आ जाता है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है अब ज्यादा अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं दूर दूर होते हैं तो आराम से हम कोई भी चीज़ अगर उसमें से मूव कराए तो आराम से मूव हो जाती है लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं पास पास होते हैं और ऐसे सॉलिड के लोग हैं तो और पास पास होंगे तो वहां पर कोई भी चीज़ पास कराने में हमें क्या रहेगी थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि वहां पर डेंसिटी क्या है ज़्यादा है तो किसी भी मीडियम की डेंसिटी अगर कम होती है तो स्पीड की लाइट अगर ज्यादा होगी और अगर किसी की आ, किसी मीडियम की जो डेंसिटी है वो क्या हो ज्यादा हो तो वहां पर लाइट बहुत ही स्लो मूव करती है तो इससे क्या निकला रिजल्ट कि जब भी क्या होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड में क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा क्लियर है अब ये समझ में आया कि लाइट क्यों बैंड हो रही है रीजन पहला है कि वहां पर स्पीड में क्या आ जाता है चेंज आ जाता है क्लियर है एंड द लाइट ट्रैवल एज फास्टेस्ट स्पीड इन रेयर मीडियम एंड स्लोअर स्पीड इन डेंसर मीडियम उसी चीज़ यहाँ क्या बोली गई है कि अगर मीडियम रेयर है फॉर एग्जाम्पल एयर तो वहां पर क्या होगा रेयर और मीडियम हम हमेशा इस तरीके से बताएंगे दो मीडियम uh, को कंपेयर करके बता सकते हैं कि एक क्या होगा रेयर और दूसरा क्या होगा मीडियम रेयर वो होता है जहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं दूर दूर होते हैं ठीक है ना जहां पे आराम से हम मूव करवा सकते हैं डेंसिटी क्या होती है कम होती है ओके okay? एंड जो डेंसर मीडियम होता है वहां पे डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम तो यहाँ पे दो मीडियम होते हैं तो रेयर मीडियम में तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी फास्ट होगी ठीक है ना जैसे कि एयर में और जो डेंसर मीडियम होगा फॉर एग्जाम्पल वाटर वहां पर क्या हो जाती है डेंसिटी ज़्यादा होती है तो स्पीड क्या हो जाएगी कम तो यहां पर डेंसिटी और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों क्या हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हमारी डेंसिटी जो होगी ठीक है मीडियम की जो डेंसिटी है अगर वो ज्यादा होगी तो जो स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाएगी कम और अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा ओके जैसे कि अब यहां पे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए अब देखो अब इसको लाइव में देखते हैं कि, कि किस तरीके से आपको यहां दिख रहा है ग्लास है और इसमें आपने जैसी पेंसिल यहां डाली ठीक है यहां पेंसिल इधर नीचे डाली और वो यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां पर इस एरिया में कौन सा एरिया जहां पर सरफेस है जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं इस सरफेस पर क्या हो रहा है पेंसिल अलग दिख रही है ऐसा लग रहा है जैसे टूट गई है बट एक्चुअल में वो क्या है नहीं टूटी है वो एक्चुअल में हमारा क्या है इल्यूजन है ये कैसे होता है इसको एक बार हम करके देखते हैं क्या सच में ऐसा है या नहीं है ओके okay? चलिए यहां पर यह आपको ग्लास दिख रहा है ठीक है इसमें मैंने क्या करा है आधा पानी है और आधे ऊपर एयर ठीक है हाफ फिल्ड है ये तो ऊपर वाला जो मीडियम है वो क्या है एयर का मीडियम है क्लियर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो क्या है वाटर है दोनों की डेंसिटी क्या है डिफरेंट है ठीक है ना दोनों के पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है आपस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है बिल्कुल अलग अलग है अब आप देखो जैसे ही मैं यहां पर क्या डाल दूँ एक पेन इसमें डाल रही हूं ठीक है अब आपको क्या दिख रहा है आप मुझे खुद बताओ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या आपको इस जगह पर जहां पर सरफेस है ठीक है ना जहां पर सरफेस है दोनों जो हमारे मीडियम है जहां पर अलग हो रहे हैं क्या वहां पर कुछ चेंज आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा ये यह यहां से तो पेन पेन हमें यहां सीधा दिख रहा है लेकिन अंदर जाते ही वो क्या हो रहा है साइज में बड़ा हो गया और वहां से उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली चेंज कर ली और ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है टूट रहा है बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है ये सब हमारा क्या है इल्यूजन है हमारा पेन बिल्कुल सही है ओके सो ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखी जिस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है जिस तरीके से हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बेंड हो जाता है ऑब्जेक्ट बैंड हो रहा है दैट जो हमारी लाइट है वो क्या हो रही है बैंड हो रही है तो उसी नेचर को क्या कहा गया है यहाँ पर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहा गया है ओके चलिए अब जैसे कि यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है इस ग्लास में आप देखो पीछे क्या है कैट है अभी यहाँ पर कैट आपको साफ दिख रही है लेकिन जैसे ही वो इस पानी के अंदर आ रही है ठीक है ना तो वो क्या हो गई उसकी साइज क्या हो गई बड़ी हो गई दिख रहा है आपको यहाँ पर उसकी आंखें देखो छोटी हैं लेकिन यहाँ पर अंदर आती क्या हो गई बड़ी हो गई मतलब यहाँ पर जो लाइट है वो क्या कर रही है यहां पर उस साइज को भी क्या कर देती है मैग्नीफाई कर देती है कहीं पर क्या कर देती है कन्वर्ट कर देती है अब ये किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे और यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एक और अच्छा एग्जाम्पल है ये आपको दिख रही है 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 वाइट लाइट ठीक ठीक अब एक प्रिज्म और प्रिज्म में जैसे ही वो एंटर हो रही है तो वो उसको सेवन कलर्स में क्या कर दे रहा है सेपरेट कर दे रहा है अब लाइट को तो सीधे कहा जानी चाहिए थी सीधे स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन इस प्रिज्म का जो मटेरियल है जो इसका मीडियम है वो क्या हो गया चेंज हो गया इसको अगर इस तरीके से समझो तो यहां पर एयर है ठीक है ये मीडियम वन है जहां पर एयर मान के चले और इस प्रिज्म का मीडियम आप मान लो मीडियम टू ठीक है लेकिन जैसे यहां पर लाइट स्ट्रेट जा रही है और जैसे ही मीडियम चेंज किया आप देखोगे इसकी जो जो इसका वे है जो पाथ है वो क्या हो गया इधर की तरफ को हो गया लेकिन जाना कैसा था इसको सीधे जाना था मतलब मीडियम चेंज होते ही उसने क्या कर लिया लाइट ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली चेंज कर ली यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी हमारा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी ठीक है एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका किस तरीके से होगा? यहां से होगा देखिए पर वापस हम एक ग्लास लेते हैं पानी से भरा हुआ ठीक है अब आप देख रहे हो यहां पर मैंने दो एरो बनाए हुए हैं ठीक है और दोनों ही एरो एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहे होंगे सही है बिल्कुल दोनों की डायरेक्शन क्या एरो उसकी? सेम है अब मैं यहां पर इसे करती हूं पीछे रख देती हूँ अब ये जो एरो है, मैंने एक हमारा एक जो एरो है, वो क्या है नीचे है पानी के ठीक है और एक कहां है ऊपर की तरफ है ठीक है अब आपको क्या दिख रहा है क्लियर है ये देखो क्या हुआ दोनों एरो एक तरफ थे लेकिन जैसे ही दूसरे एरो को मैंने जो दूसरा एरो है उसको जैसे है, मैंने पानी के नीचे की तरफ रखा तो वो एरो क्या हो गया उसकी डायरेक्शन क्या हो गई चेंज हो गई जो पहले किस साइड थी जो पहले इधर की तरफ थी अब वो किधर की तरफ हो गई इधर की तरफ हो गई अब ये क्यों हुआ देखो दोनों एरो सेम थे और ऊपर वाला एरो तो मुझे सेम ही दिख रहा था लेकिन जैसे मैंने नीचे वाले एरो को पानी के पीछे रखा तो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया चेंज हो गया अब ये किस वजह से हुआ ये हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से ठीक है ना तो यहां पे जो प्रॉपर्टी काम कर रही है लाइट की वो क्या है रिफ्रैक्शन अब ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है इसको हम समझेंगे ओके ये क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन क्या होता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है चेंज कर लेती है ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम बात करते हैं किस तरीके से इसका एक हम डायग्राम यहां पर देखेंगे ठीक है जैसे कि यहां पर ये हमारे पास सरफेस है ओके ये हो गया सरफेस यहां पर है मीडियम वन ये है मीडियम टू ठीक है मीडियम वन एंड मीडियम टू मतलब दोनों अलग अलग है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर मीडियम को ले लेती हूँ एयर ठीक है अब मीडियम कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं यहां पर एयर एंड वाटर इसको मीडियम हम मान लेते हैं क्लियर है ठीक है चलिए अब देखिए आगे अब यहां से मैंने एक लाइट पास करी ठीक है एक लाइट रे है इसको मैंने इंसिडेंट कराया यहां से मैं उसको पास कर रही हूं ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपको पता है मीडियम क्या है यहां पे ट्रांसपेरेंट है अब यहां से मीडियम से ए फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है लाइट ठीक है ना फर्स्ट से सेकेंड तो अब क्या हो रही है वो अब वो किस तरीके से बैंड करिए उसको हम समझाते हैं देखो इस सरफेस के अलोंग ठीक है ना इस सरफेस के अगर मैं पेंडिकुलर कोई एक लाइन लूँ ठीक है ना किसके जो हमारा ये सरफेस है ये जो प्लेन है ठीक है जहां से दो मीडियम क्या हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं ओके दोनों मीडियम जहां सेपरेट हो रहे हैं अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक क्या ले लू लाइन ले लू ठीक है ये कौन सा हुआ इसको मैं क्या कहूंगी नॉर्मल कहूंगी क्या कहूंगी नॉर्मल लाइन समझ में आया इसे हम क्या कहेंगे नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्शन में जब हमने पढ़ा था तब भी हमने क्या लिया था सरफेस के पर्पेंडिकुलर इस लाइन को क्या कहा गया था नॉर्मल कहा गया था पपेंडिकुलर है मतलब कि क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है विद द प्लेन सरफेस ओके चलिए अब देखिए यहां पर अब यहां पर रे इधर आई ठीक है अब ये कौन सी रे है ये हमें पता है कि ये कौन सी रे है इंसिडेंट है तो ये तो हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे ठीक है और ये क्या हो जाएगी यहां से अगर इस नॉर्मल को मैं आगे भी बढ़ा देती हूं नीचे ठीक है इसी नॉर्मल को मैं नीचे भी बढ़ा देती हूं ओके नाउ अब ये क्या हो जाएगी वैसे इसका रास्ता कहां है इस तरीके से होना चाहिए रास्ता लेकिन अब ये क्या हो गई यहां से बैंड होकर इधर की तरफ मूव कर गई समझ में आया क्या हुआ यहां से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होकर वो इधर आ गई तो ये जो हुई ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई ठीक है रे। क्लियर है ठीक है तो ये कहलाएगी हमारी इंसिडेंट रे ये कहलाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे अब मैं जब एंगल की बात करती हूँ ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो होगा नॉर्मल के साथ हमने रिफ्लेक्शन में भी ये देखा था कहां से लिया था हमने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो रे है जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल जिसको मैं डिनोट करूंगी एंगल आई से ठीक है और ये मेरा क्या कहलाएगा इंसिडेंट एंगल कहलाएगा ओके okay, सिमिलरली अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे की बात करती हूं तो रिफ्रैक्टेड रे भी कहां से ये नॉर्मल है हमारे पास ये कौन सी है नॉर्मल है और ये नॉर्मल से जो ये एंगल होगा इसे हम क्या कहेंगे यहां पर ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब आप देखोगे होना चाहिए था सीधा लेकिन यहां पर जैसी दूसरे मीडियम में आई वो क्या हो गई बैंड हो गई और ये बैंड जो ये नेचर है लाइट का इसी को हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्शन कहेंगे क्लियर है बिल्कुल तो यहां पे आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए ये मीडियम वन ये मीडियम टू ठीक है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और अब यहां पर हम देखेंगे कि जो ये बैंड हो रही है अब ये तो हमने समझ लिया कि चलो ये बैंड तो हो रही है लेकिन किस तरफ होगी नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी इसको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में अभी तो आप ये समझो कि क्या है ये सिर्फ जो बैंड जो बैंडिंग नेचर है यहाँ पर लाइट का उसी को क्या कहा जाता है रिफ्रैक्शन कहा जाता है ओके क्लियर है ये बिल्कुल ठीक है अब अभी किस वजह से आपको पता है जो ये हमारा जो मीडियम ये है ये कितना कैसा है रेयर मीडियम है और ये जो मीडियम है ये हमारा क्या है डेंसर मीडियम है अभी तो हमने ये लेके चले ठीक है अब यहाँ पे दो केसेस हम पढ़ेंगे अब उसको समझते हैं कि अब जो आ, लाइट जो अपना पाथ चेंज कर रही है तो वो किधर को करेगी अब वो कहां को करेगी उस पर डिस्कस करते हैं ठीक है सो रिफ्रैक्शन समझ में आया तो पहला केस यहां पे क्या बनता है वेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम इन अ डेंसर मीडियम क्या कहा गया अब अगर रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए ठीक है ना एक रेयर से डेंसर के अंदर एंटर करे तो वो क्या होती है इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटर इन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओके क्या कहा गया है ध्यान देना इसको हम uh, डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये हमारा क्या है सरफेस uh, है और साथ ही साथ ये हो गया हमारा मीडियम वन ये हो गया मीडियम टू मीडियम वन हमने क्या लिया है रेयर लिया है ठीक है मतलब डेंसिटी क्या है कम uh, कम है एज कंपेयर टू मीडियम टू और ये मीडियम टू हमारा क्या हो जाएगा डेंसर हो जाएगा क्लियर है ठीक है अब आप समझे क्या बोला गया है अ लाइट रे एंटर फ्रॉम अ रियल मीडियम इंटू डेंसर मीडियम अगर एक लाइट रे क्या होती है इंसिडेंट होती है ठीक है ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे ठीक है तो ये इंसिडेंट हो रही है और यहां पर हम नॉर्मल बना देते हैं ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई ठीक है जो कि क्या होगी सरफेस के सरफेस से परपेंडिकुलर होगी अब देखो क्या बोला है अगर यहां पे इंसिडेंट इंसिडेंट जो लाइट है वो रेयर मीडियम से अब डेंसिल में आ रही है तो इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी वो अब बैंड कहां को होगी नॉर्मल की तरफ को होगी ठीक है हमारी नॉर्मल लाइन क्या है ये है इसको जाना कहाँ था जाना तो इसको कहां था सीधे यहां जाना था ऐसे ही जाना था ठीक है ना इस तरीके से यहां को जाना था ठीक है लेकिन अब ये बैंड होगी किधर की तरफ नॉर्मल की तरफ तो ये कहां को चली जाएगी इधर चली जाएगी ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे क्लियर है ये कौन सी रे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड मतलब क्या है कि अगर रेयर से मीडियम डेंसर मीडियम में आती है अगर लाइट रेड रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है ठीक है ना वो किधर बैंड होती है नॉर्मल के टूवर्ड्स वो बैंड होती है ठीक है अब इसमें आप देखो तो यहाँ पे मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई जो है ठीक है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल आर तो इनका अगर मैं क्या करूं कंपेयर करूं तो इस केस में एंगल जो आई जो है वो क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा एंगल आर समझ में आ रहा है क्योंकि यहां पर देखो क्या है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो एंगल आई कोस टू एंगल आर होना चाहिए था रिफ्लेक्शन में तो यही होता है लेकिन अब यहाँ पे ये बैंड हो गई है तो एंगल क्या हो गया है कम हो गया है ठीक है तो दैट तो मीन्स तो तो जो एंगल आई होगा मतलब हो तो इस केस में जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो हमारा इंसिडेंस एंगल क्या होगा ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल क्लियर है यहाँ पर समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा अब बात करते हैं हम सेकेंड केस की ठीक है ये फर्स्ट केस था जिसमें क्या था रेयर से हम डेंसर मीडियम में जा रहे थे अब दूसरा केस जो हमारे पास आएगा वो होगा कि यहाँ पर मेरे पास ये सरफेस है यहाँ पर हम मीडियम वन ले लेते ले हैं ये हमारा मीडियम टू हो गया ठीक है मीडियम वन हम यहाँ पर अब क्या लेंगे डेंसर लेंगे अब हम क्या करते हैं लाइट रे को क्या करते हैं डेंसर से रेयर में लेकर आते हैं अब उल्टा काम करते हैं ठीक है मतलब पानी में से हवा में लेकर आते हैं ओके चलिए ये इंसिडेंट है ठीक है ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे क्लियर अब ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा यहाँ आ गया नॉर्मल जो होगा वो हमारा ये हो गया ठीक है ये हो गया हमारा नॉर्मल क्लियर है बिल्कुल ठीक है चलिए अब आप देखो जाना कहाँ है इसको वैसे कहाँ जाना चाहिए था वैसे इधर जाना चाहिए था जाना चाहिए था लेकिन अब आप देखो क्या बोला है जब लाइट एंटर करती है डेंसर से रेयर मीडियम में ठीक है ना डेंसर से रेयर मीडियम में तो इट बैंड्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां से वो क्या करेगी जो हमारा नॉर्मल है इससे दूर भागेगी. जाना चाहिए था यहां लेकिन जाएगी कहा यहां. कहां चली गई इधर की तरफ बैंड हो गई ये हमारी क्या कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई रिफ्रैक्टेड रे तो अब यहां पर जो एंगल आर है वो कहां से बनेगा नॉर्मल से बनेगा नॉर्मल लाइन ये है यहां से ये हो गया हमारा एंगल आर और ये हो गया हमारा एंगल आई इंसिडेंट एंगल तो अब इस केस में क्या हो रहा है एंगल आर जो है एंगल जो है वो क्या है स्मॉलर देन एंगल क्या हो जाएगा स्मॉलर देन एंगल आर क्लियर है ये ठीक है तो इस केस में क्या हो गया हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है स्मॉलर देन है किससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से

लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ठीक है ना ये नोट लिखा है बट थर्ड केस भी इसको मान के चलो अब इसमें क्यों अच्छा यह थर्ड केस भी इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि यहां पर रिफ्क्शन होगा नहीं क्यों नहीं होगा उसको समझो ये मेरे पास मीडियम वन है ठीक है यह मीडियम टू है कोई भी एक रेयर ले लो आप और कोई सा भी दूसरा मीडियम आप डेंसर ले लो ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता आप रेयर से डेंसर जाओ या डेंसर से रेयर जाओ ओके अब यहां पर क्या किया गया है कि अब बोला गया है कि जो हम यहां पर इंसिडेंट कराएंगे जो हम लाइन यहां पर इंसिडेंट जो रे जो है वो इंसिडेंट जो कराएंगे वो क्या कराएं एकदम परपेंडिकुलर करवाएं जो मेरा सरफेस है जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं उस इंटरफेस पर क्या करें हम एकदम परपेंडिकुलर क्या करवा दें इंसिडेंट करा दें रे को अभी तक तो हमको एक, एक एंगल बना रहे थे लेकिन अब एंगल क्या हो गया जीरो अब आप देखो नॉर्मल लाइन ही एक्चुअल में क्या है इंसिडेंट रे है यहाँ पर ओके सो व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स तो ऐसे केस में रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं मतलब लाइट बैंड करेगी ही नहीं वो सीधे क्या हो जाएगी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी ठीक है पर अब देखो आप लाइट क्या बेंड हुई यहां पर नहीं हुई तो नॉर्मली मैं यहां पर अब बोलोगे कि नहीं एंगल आई बी जीरो है एंगल आर भी जीरो है तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर हो गया ये भी कह सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना ना कुछ रिफ्रैक्शन हमें मिला यहाँ पे एक्चुअली रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं रिफ्रैक्शन क्या है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देखो जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है अफकॉर्स ही बात है लेकिन क्या उसने अपना जो बैंड जो बैंडिंग नेचर जो था जो लाइट बैंड हो जाती थी क्या वो दिखाया यहाँ पर शो हुई यहाँ पे लाइट का कहीं पर भी बैंड आया नहीं आया दैट मीन्स कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी कोई लाइट में कोई चेंज नहीं आया उसका पाथ बिल्कुल सीधा का सीधा था मतलब हमारा जो रिफ्रैक्शन होना था वो तो हुआ ही नहीं तो मतलब ऐसा जब केस होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा मतलब लाइट अपनी जो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करेगी क्लियर है बिल्कुल ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं हमने भी रिफ्रैक्शन को तो कॉन्सेप्ट समझ लिया है रिफ्रैक्शन क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट वेन इट एंटर्स वन मीडिया टू डिफरेंट मीडिया ओके अब यहां पर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा तो उसमें किस तरीके से ही? लाइट पास होती है ओके चलिए देखिए ऑन एंटरिंग इन टू ग्लास मीडियम लाइट रे नॉर्मल दैट इज लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड और एंटरिंग द ग्लास मीडियम अब आप इसको समझो इसको अभी पढ़ेंगे बाद में सबसे पहले समझने वाला काम हम करते हैं ओके यहां पर जो बाहर है ये एयर है तो ये मीडियम वन ले लू मैं ठीक है और मीडियम वन मेरे पास क्या है एयर है मतलब रेयर है एयर है ठीक है ना बाहर तो एयर है तो वो क्या हो गया रेयर मीडियम हो गया और जो ग्लास लैब है ये कौन सा हो गया ये मीडियम टू है तो ये कौन सा मीडियम होगा हमारा डेंसर होगा ठीक है ना ग्लास क्या होता है उसके तो मॉलिक्यूल्स और पास होते हैं सॉलिड है तो उसके जो मीडियम होंगे वो क्या होंगे बिल्कुल जो होगा मीडियम क्या होगा डेंसर होगा ओके okay? चलिए अब आगे देखिए ये एयर हो गया ये ग्लास है और फिर वापस नीचे एयर देखो अब यहां पर हम तीन चीज कर रहे हैं यहां से भी पास करा रहे हैं दो इंटरफेस है हमें हमारे पास यहां पर ठीक है ना अब इस दो इंटरफेस को हम समझते हैं ओके तो फर्स्ट यहां पर आप समझिए यहां पर इंसिडेंट रे ठीक है एयर से हमने इंसिडेंट ली ठीक है करवाया यहां पर अब आप देखो ये ड्रेयर से डेंसर पे आ रहा है जाना तो उसको कहां चाहिए था वैसे अगर हम एज्यूम करें तो जाना कहां चाहिए था उसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा यहां पर चला गया बिल्कुल सीधा जाना तो चाहिए था ये बिल्कुल सीधा यहाँ पर ठीक है ना ये जो आपको डॉटेड लाइन मिल रही है इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए था लेकिन रिफ्रेक्शन की वजह से इसकी इस प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या हो गई नॉर्मल की तरफ क्या हो गई बैंड हो गई क्योंकि रे से डेंसर मीडियम में आ रही है ठीक है ना तो ये हमारा नॉर्मल लाइन और ये कहाँ हो गई इधर बैंड हो गई ये आपको दिख रही है बीच में ये कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड रे है कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड रे क्लियर है यहाँ तक अब बात करते हैं इस पॉइंट पर ठीक है ये पॉइंट तो ओ की बात की हमने अब इस पॉइंट ये जो बी पॉइंट है इस पर बात करते हैं ओके अब यहां से लाइट पास हुई लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है दोबारा दोबारा उसका मीडियम चेंज हो रहा है ध्यान देना मीडियम क्या हो रहा है दोबारा चेंज हो रहा है अब ये डेंसर से वापस ये एयर है एयर है मतलब रेयर है रेयर मीडियम में आ गई अब आप देखो तो यहां पर ये मीडियम है ये रेयर मीडियम है अब वापस ये क्या करेगी अपना नेचर शो करेगी रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन कैसा होगा नॉर्मल से कहा भागेगी वो दूर भागेगी ठीक है अब दूर भागेगी तो क्या हो जाएगा यहां एंगल हो जाएगा बड़ा अब आप इसको समझो अब यहां पर ये जो मेरे को रे मिली है इसको क्या कहा जाता है इमर्जेंट रे कहा जाता है क्या कहा जाता है इमरजेंट रे ध्यान देना यहां पर दो मेरे पास रिफ्रैक्शन हो रहे हैं पहला इंसिडेंट रे आया वो रिफ्रैक्टेड रे होकर निकल गया यहां से ये अब रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है दोबारा चेंज कर रहा है अपना मीडियम और ये आगे जाके जब ये दूसरा मुझे देगा रिफ्रैक्टेड रे वो उसको क्या कहेंगे हम इमर्जेंट रे क्या कहा जाएगा इमर्जेंट रे और इसका जो एंगल होगा ई वो क्या होगा उसको किस तरीके से ई की तरह डिनोट हम करेंगे अब यहां पर हम एंगल की बात कर लेते हैं एक बार मुझे पता है कि ये एंगल आई जो है एंगल ऑफ क्या है इंसिडेंस है तो आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है बिल्कुल अब आप देखो ना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल के पास आ गया मतलब ये रिफ्र... ये रेयर से डेंसर में जाने से यही केस बनता है हमारे पास ठीक है अब आगे बात करते हैं अगर ये एंगल आ रहे हैं तो ये जो है एंगल ये भी तो एंगल होगा क्योंकि ग्लास स्लैब है ये दोनों पैर लाइन है जो रे है है ये का काम कर रही, का रही मैथ्स आ चुकी है यहां पर देखो ये दो पैल लाइन्स और ये ट्रांसवर्सल लाइन तो ये जो एंगल होगा यहां पर जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये भी तो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी सेम एंगल बनाएगी मतलब क्या हुआ ये वाला जो अब मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है ठीक है रिफ्रैक्टेड रे है अब वो क्या हो गई स्मॉलर देन क्या होगा इमर्जेंट रे क्योंकि अब इमरजेंट रे तो और आगे भाग रही है दूर है तो ये किससे किससे इमरजेंट uh, रेड क्या होगा इससे भी बड़ा होगा मतलब रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट एंगल से भी क्या होगा छोटा uh, होगा और इमर्जेंट एंगल से भी क्या होगा छोटा होगा अब यहां पर समझो अब यहां पर देखते हैं अब ये मुझे मिल गया ठीक है अब यहां पर कुछ और नॉर्मल टर्म्स हैं उनको हम समझते हैं यहां पर ये तो डायरेक्शन थी ओरिजिनल रे की ये डायरेक्शन अब जो मुझे मिली है लाइट की एक्चुअल में हमने सोचा था लाइट सीधे यहां तक जाएगी यही सोचा था कि लाइट हमारी सीधे पहुंच जाएगी निकल जाएगी आगे लेकिन हम तो भूल ही गए थे मीडियम है आगे मीडियम है ना आगे तो मीडियम है अब उसकी वजह से क्या हुआ रिफ्रेक्शन की वजह से क्या हुआ लाइट एक्चुअल में पास कहां से हुई इस जगह से हुई जाना चाहिए था यहां से सोचा था हमने यहां से कि भाई सीधी ऐसे जाएगी लेकिन गई कहां मिली कहां हमें यहां पर ठीक है ना ये उसी तरीके का गेम है कि हम यहां पर से कुछ बॉल भेज रहे हैं इधर लेकिन हमने सोचा कि भी सीधे आएगी हमने सोचा यहां आएगी लेकिन मिली कहाँ हमको यहां ठीक है ना इस तरीके से अब आगे समझो इसको अब ये जो बीच में डिस्टेंस है जो यहां पर क्या है डिफरेंस है किसका ओरिजिनल आना जहां चाहिए था और पहुंच जहां गई इन दोनों के बीच का इन दोनों के रेस का जो बीच में डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बिल्कुल तो इसे क्या कहा जाता है जो ओरिजिनल जानी चाहिए थी और जो जहां गई है एक्चुअल में तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं लेट्रल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है क्लियर है बिल्कुल ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं so, सो ये हमने पढ़ा ग्लास लैब के बारे में ग्लास लैब में दो रिफ्रैक्शन हुए ठीक है दोनों को केस को हमने स्टडी किया दोनों ही केस हो रहे हैं रिफ्रैक्शन के जो दोनों केस हैं रेयर से मीडियम और मीडियम से रेयर जब चेंज होती है लाइट तो वहां के दोनों हमने यहाँ चेक किए यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है ठीक है ना यहाँ पर देखो ये ग्लास लैब है दिख रहा है ग्लास लैब ठीक है अब इसमें अगर मैं रिफ्रैक्शन की अगर रिफ्रेक्शन नहीं होता तो ये लाइट एक्चुअली कहाँ जानी चाहिए थी ऐसे जानी चाहिए थी ये जो लाइट यहां से आ रही है ये बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई कहा गई इधर की तरफ यहां गई ठीक है ना अब देखो जब यहां से एंटर हुई बैंड हुई और जब इस वाले पॉइंट दो पॉइंट की मैं यहां बात कर रही हूं दो पॉइंट की बात करती हूं एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर इस पॉइंट पर आके बैंड हो गई जाना था सीधा लेकिन हो गई मुड़ गई उधर ठीक है और इस पॉइंट पे भी अब इस पॉइंट से भी जाना चाहिए था इधर वैसे तो है ना लेकिन कहाँ बैंड हो गई इधर बैंड हो गई दैट मीनस कि यहाँ पर दोनों जगह क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है अब आप ध्यान दीजिए ये ओरिजिनल है जो होना चाहिए था सोचा था हमने और यही हमें मिला है तो इन दोनों का जो ये डिफरेंस हुआ यही क्या कहलाएगा हमारा लेट्रल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा हमारा लेट्रल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है बिल्कुल ठीक है सो so यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है ये सब एक्चुअली वही है जो सेम हमें मिल रहा है अब यहाँ पर एक रिजल्ट निकलता है अब हमने ये पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है भाई क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ पे वो समझिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस आर इक्वल एज इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू तो ईच अदर अब आप ध्यान देना जब यहाँ पर आप इसको करोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे जब इसको आप एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट करके करोगे तो आप ये पाओगे जो हमारे इमरजेंट रे है जो एक्चुअल में इमरजेंट रेड क्या है ये पूरी इमरजेंट रे तो है सॉरी इंसिडेंट रे ही तो है ठीक है ना ये हमारी इंसिडेंट रे थी जो जानी चाहिए थी और ये और एक दूसरी रे ले लो आप इमर्जेंट रे ये दोनों एक्चुअल में क्या होंगी आपस में आपको पैरेलल मिलेंगी क्यों मिलेंगी पैरेलल क्योंकि देखो ना उसी मीडियम से दूसरे मीडियम में आया था और दूसरे मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ गया इसका मतलब है मैं एक स्टेप इधर की तरफ गई थी वापस एक स्टेप इधर की तरफ आई हूं तो दोबारा मैं अपनी जगह भी तो पहुंची सेम वही है कि यहां पर ये कहां गई थी इधर की तरफ मुड़ी वापस से उधर की तरफ मुड़ी ठीक है ना कहा मुड़ी इधर की तरफ मुड़ी उधर की तरफ मुड़ी तो मतलब ये दोनों जो रेज मुझे मिलेंगी जो मुझे यहाँ पर इंसिडेंट रे मिलेगा और जो मुझे यहाँ एमरजेंट रे मिलेगा ये दोनों ही क्या होंगी आपस में पैरल होंगी क्लियर है और अगर ये दोनों पैरल हैं तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ एमरजेंस ये भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा अभी हमने देखा था जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन क्या था एंगल आर था और एंगल जो जो था 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 वो वो भी ग्रेटर देन क्या क्या एंगल 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 आर यही दोनों केस में देखा और इससे निकलता है 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 पर आई ई के ही इक्वल ठीक है. है ना क्यों क्योंकि रे और इंसिडेंट रे दोनों आपस में क्या है, है. है तो एंगल बना रही है means, दोनों ही जो हमारे वो क्या होंगे

फ्रॉम द इंसीडेंट रेप बिकम जीरो पर यहां पर डायरेक्शन यही थी चेंज हो गई लेकिन वापस डायरेक्शन मुझे वापस मिल गई यहां पर डायरेक्शन थी इस तरफ ठीक है इसको समझो ये डायरेक्शन थी हमारी ये डायरेक्शन थी इस तरफ मुड़ गई इधर को लेकिन वापस सेम एंगल से वापस मुड़ गई इधर को ध्यान देना ये इधर को जा रही थी मुड़ गई इधर की तरफ को लेकिन वापस से उसी डायरेक्शन में दोबारा उसी सेम एंगल से दोबारा वो कहां को मुड़ गई उसी डायरेक्शन को मुड़ गई मतलब ये दोनों क्या हो गई आपस में पैरेलल हो गई ठीक है तो मतलब क्या हुआ हमारा जो डेविएशन था जो डेविएशन आ रहा था लाइट में वो क्या हो जाएगा लास्ट में जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा लास्ट में एकदम जीरो क्लियर है क्योंकि वापस से सेम एंगल से वो अपनी जगह पर दोबारा आ गई ठीक है ना जैसे मैं स्टेप यहां पर आई वापस नेक्स्ट में वापस स्टेप यहां आ गई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ क्या हुआ जीरो हो गया क्लियर वैसे ही लाइट की जो डायरेक्शन में जो डेविएशन था वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब कोई डेविएशन हुआ ही नहीं अगर मैं स्टार्टिंग का देखूं और लास्ट का देखूं फाइनल इनिशियल और फाइनल जो देखूंगी तो मुझे कोई भी डेविएशन नहीं मिलेगा क्लियर है बिल्कुल ठीक है चलिए सो so, ये हमने देखा किस तरीके से ग्लास स्लैब में क्या होता है चेंज होता है किस तरीके से क्या आते हैं हमारे पास किस तरीके से दो रिफ्रेक्शन यहां पर होते हैं और रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है सो so, आज हमारा जो वीडियो था ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जिसमें हमने देखा रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है क्या केसेस थे उसके और एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ देखे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए अब आगे हम बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में रिफ्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं अब और जो लेंस है या इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यहाँ पर देखेंगे और रे डायग्राम की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू